गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 8C। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ऐड। अब देखिए एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको इसमें ऐड करना, तो देखिए ऐड में क्या होगा, 3x और 7x दे रखा है, तो 3x प्लस 7x कितना हो जाएगा, 10x। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 3x इज 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, तो आपको ऐड करना है, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 3x स्क्वायर ब्रैकेट में लगाएंगे क्योंकि माइनस है और हमें ऐड हमें करना है, प्लस 7x स्क्वायर। अब फिर लेंगे तो देखिए प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, तो प्लस प्लस पहले ऐड कर लो बाद में इसको करो, तो 7 प्लस 2 9x स्क्वायर माइनस 3 है, तो 9 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर। ठीक है, अभी आप देखो कि अगर इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही है, आप 4 डिजिट में दे रखा है, तो 6a³ प्लस 4a³ प्लस 10a³ माइनस यानी कि प्लस 10 8a³। अब लेकिन माइनस का साइन हमें गिवेन है उसमें, ठीक है, क्वेश्चन में गिवेन है, तो देखिए मैंने सभी को ऐड कर लिया। अब इसके बाद जिसमें ब्रैकेट के बाहर अंदर माइनस है उसको ब्रैकेट के प्लस में बाहर जो प्लस लगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6a³ माइनस 4a³ प्लस 10a³ माइनस 8a³। तो देखिए प्लस वाले जितने उनको ऐड कर लिया, 6 प्लस 10 16, माइनस माइनस प्लस, तो यानी 12, 8 प्लस 4 12a³, तो देखिए 16 में 12a³ माइनस किया जब 16a³ में तो आ जाएगा 4a³। नाउ दिस इज़ योर आंसर। अब अगर आपको एडिंग इस तरीके से दे रखी तब क्या करेंगे आप, तो इसमें भी देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3a हो गए, तो 3, तो यानी 4 में 3 माइनस किया कितना आया, प्लस का जेड आएगा कि नहीं, क्योंकि ग्रेटेस्ट साइन लगता है। सेम इसमें भी आपको करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 5y और 7y में करेंगे तो कितना होगा, 2y। इसके बाद इसको करेंगे तो प्लस 5x प्लस x 6x, 6x में 7x करेंगे तो कितना होगा, माइनस का x, क्योंकि बड़े नंबर्स का साइन लगता है, ओके, तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बच्चों अगर इस तरीके से आपको दे रखा है कि एक्सप्लेन करना है आपको ए बी सी तीनों में ही ऐड करने दे रखा है, तब आप क्या करेंगे, तो सम ऑफ एक्सप्रेशन सबसे पहले क्या करेंगे, आप सब में ऐड का साइन लगा दीजिए। ठीक, तो देखिए मैंने सभी को करा, इसके बाद देखिए सभी में लिख लिए। अब ए वाले टर्म्स एक तरफ आप ले आओ और बी वाले टर्म्स एक तरफ, सी वाले टर्म्स एक तरफ, तो देखिए ए 3a 2a माइनस ए हो जाएगा, 3a 2a माइनस ए, फिर माइनस 2b 5b और माइनस का b, फिर c 5c 7c और c, a वाले एक तरफ ऐड कर लिए, तो मैंने इसमें क्या कि कॉमन ले लिया, 3 प्लस 2 माइनस 1, बी को ले लिया माइनस 2 माइनस 1, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो, 5 प्लस 2 कितना होगा, 3 प्लस 2 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आप मैंने इस तरीके से और इजी इसको कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4a 2b एंड माइनस का c। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया। सबट्रैक्ट देख लीजिए और कि 5x मा फ्रॉम 2x, तो 2x जब 5x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x, बिकॉज ऑफ 5x ग्रेट है, ओके, और 2x स्मॉल है। सेम इसी तरीके से ये वाला भी देख लीजिए, 5a इसको अगर माइनस करेंगे तो 3a माइनस 7b प्लस 4c को माइनस कर देंगे, माइनस 5a माइनस प्लस 7b माइनस 2 से, तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होते हैं वो आपके चेंज हो जाते हैं। ये आपको पता होगा बच्चों कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस दे रखा है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इस ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है इसलिए नहीं होगा, अगर प्लस है तो नहीं चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो सारे साइन चेंज होंगे, प्लस में नहीं चेंज होते। देखिए 3a 7b 4c, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, मैंने सारे साइन चेंज कर दे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। अब a वाले आप एक तरफ ले लो, b वाले एक तरफ ले लो, c वाले एक तरफ ले लो, तो देखिए माइनस का 2a 14b प्लस का 6c आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में 6a³ 7x स्क्वायर 5x माइनस 3 सा 4x माइनस 5x 6x स्क्वायर माइनस 8 है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, क्यूब वाले इसको मैंने बैलेंस कर ली इक्वेशन को, तो यानी माइनस 8 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कर दिया, माइनस लगाया और 6x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसमें चेंज हो जाएगा, तो मैंने देखिए इसको तो एज इट इज़ रखा और इस वाले को चेंज कर दिया, बस x क्यूब एक तरफ, x स्क्वायर एक तरफ, x एक तरफ और न्यूमेरिक नंबर एक तरफ, बस ले लिया, तो कितना आया 14x क्यूब 13x स्क्वायर 10x और प्लस का 7 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक का ठीक करना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 तक फेयर नोटबुक में, कितने तक है क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, ठीक है? फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं आप ये क्वेश्चन नंबर 6 तक के, सिंप्लीफाई तक आपको करने हैं बस, क्वेश्चन नंबर 7 से आपको नहीं करने हैं। ओको, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों? तो आप लोग फेयर में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।